हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 3:30 बजे से और अभी हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं जहाँ पे हमारे घुघिया देवता रहते हैं, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है फूल देवी का जो कि कल से शुरू होने वाला है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं और ये त्यौहार बच्चों का होता है लेकिन हम लोग ही यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में ना बिल्कुल भी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रही है, बुला बुला के उनको लाना पड़ रहा है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, सही में हमारे तो 3-4 दिन पहले से ही प्लानिंग हुई रहती थी कि वहाँ पर साफ़ सफाई करनी है, फूलों के लिए यहाँ जाना है। और सार में मैंने आपको दिखाए थे फ्योली के फूल खिले हुए हैं, तो वो फ्योली के फूल देवी त्यौहार के लिए ही काम आते हैं। आज से बच्चे चले जाएंगे सार में फूल लेने के लिए फ्योली के, और कल से सुबह से यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाएगी। 7 दिन की ये पूजा होती है और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, सब लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने पे। गुड़िया, खुशी और आरुष अभी यहाँ पे आ रखे हैं और भी आएंगे। तो यहाँ पे हमारे घुघिया देवता रहते हैं, देखो यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई चल रही है। यहाँ पे कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी, साल में एक बार होती है पूजा, है ना। अब फूलों तो भी जाऊँ लो फूल होता है बेटा साइड। हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे फूल लेके आएंगे और अनमोल लोग कर रहे हैं डोली बनाने की तैयारी, तो कल से डोली भी नचाएंगे और फूल लेके यहाँ पे पूजा पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे साफ सफाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी यहाँ पे घुघिया देवता की डोली भी आ गई है जो कि पूरे एक साल बाद बाहर निकल रहे, तो अभी हम लोग डोली को भी अच्छे से सजाएंगे। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं घसाई लिपाई और हमारे साथ दो और लोग जुड़ गए हैं, देखो अन्नू और अनमोल। डोली कहना चाहो रहे ठीक, ए जल्दी नचो, कल इनकी डोली दिखाएंगे आप लोगों को कि ये डोली कैसे नचाते हैं। दोस्तों, अभी हमारी यहाँ पे साफ सफाई हो गई है, देख सकते हो हमने अच्छे से घसाई लिपाई कर दी है और घुघिया देवता के लिए हम लोगों ने नई नई चुन्नी भी ला रखी है यहाँ पे मंदिर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो कुछ हम यहाँ पे सजाने के लिए रखेंगे और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डोली पे लगा दी है। कल से ये डोली भी जाएगी पूरे गाँव में और यहाँ पे भी पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे घसाई लिपाई कर दी है और ये है हमारे घुघिया देवता के निशान जो कि हमने अच्छे से धो दिए हैं। बाकी इनको भी अभी हम लोग यहाँ पे सजाएंगे जब यहाँ पे अच्छे से सूख जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग डोली सजा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी है और यहाँ पे माता की चुनरी भी लगा दी है और यहाँ पे नीचे गाय के गोबर से और लाल मिट्टी से अच्छे से घसाई लिपाई भी कर दी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे गाय के गोबर से हम लोगों ने ओम लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बाकी अभी यहाँ पे सूखा नहीं है तो अच्छे से हम लोगों ने अभी फूल वगैरह नहीं लगाए हैं, तो अभी इसको सूखने देंगे। और छोटे बच्चे सब लोग जा रखे हैं फूल लेने के लिए, तो सुबह आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर जब हम लोग अच्छे से यहाँ पर सजा देंगे। ये रहे फ्योली के फूल जिनसे फूल देवी त्यौहार मनाया जाता है और इन्हीं फूलों से कल से घुघिया देवता की पूजा की जाएगी, तो सभी छोटे बच्चे इन्हीं फूलों को लेने के लिए जा रखे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी ऊपर दुकान में आ रही हूँ सामान लेने के लिए और जैसे मैं यहाँ पे आया ना, यहाँ पे देखो मम्मी छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे खेलने पे लगी हुई है। हत्या बैठ, हेलो माते, अब हमारा ध्यान खान बजे। दोस्तों सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक? दोस्तों तो आप बोल रहे होंगे ये खोपड़े क्यों हो गए खराब बुढ़ापे में, दोस्तों तो अपने अंदर जो बचपन है ना उसको जिंदा रखो। सही बात है, मम्मी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाती है, उनके साथ घुल मिल जाती हूँ सच में। हाँ, मैं तो ना शर्म कुछ मैं सीधा ख्याल जो तो ख्याल। सही बात, अपने अंदर का बचपना जिंदा रखो चाहती हूँ दोस्तों, की अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, खुश रहो। सही बात, मत सोचो की हम बूढ़े हो गए, ये सोचो की हम अभी 15 साल। मम्मी यहाँ पे इनके साथ देखो हत्या बैट खेल रही है छोटे छोटे बच्चों के साथ, अभी गोबर डाल के आई मम्मी, अरे देखो मस्त करके गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को उत्तराखंड के लोक पर्व फूल देवी त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और करीबन 5 बजे से छोटे बच्चों का शोर शुरू हो गया था, क्योंकि फूल डालने के लिए सुबह सुबह आते हैं और आज से ही घुघिया देवता की पूजा स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी जगह घुघिया देवता नहीं बोलते हैं, घुघिया माता बोलते हैं, लेकिन हम लोग उनको देवता के रूप में ही पूजते हैं। तो आज से घुघिया देवता की पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी और छोटे बच्चों के ही ये देवता होते हैं और छोटे बच्चे ही इनको पूजते हैं। तो थोड़ी देर में हमारे घर पर भी फूल डालने के लिए आने वाले हैं, फिर आप लोगों को मिलाते हैं छोटे बच्चों से भी। फूल 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 फूल
चरणों चढ़कायो। हैं अपने शंकरनाथ भगवान के मंदिर में और यहाँ पे भी दिया बाती करेंगे और यहाँ पे भी छोटे बच्चे फूल डालेंगे और उसके बाद यही बगल पे हमारी राजराजेश्वरी माता का मंदिर भी है, वहाँ पे भी पूजा पाठ करने के बाद हम लोग जाएंगे घुग्या देवता की पूजा करने के लिए। बोलो राज राजेश्वरी माता की जय, बोलो शंकरनाथ देवता की जय, बोलो चंडिका माता की जय, बोलो तुंगेश्वर महादेव की जय। गली नचायो, भगवान चढ़कायो, जय जय घुग्या माता बोली, घुग्या बोधु बांजे बगोटी फुल्ला रे छोरो अन कितली तू गिलास हमारू घग्या जय घग्या माता बोलदी घग्या बधु जय घग्या माता बोलदी घग्या बधु। तो दोस्तों अभी हम लोग आ रखे हैं सिंगर चाची के घर पे फूल डालने के लिए और चाची बना रही है यहाँ पे कोदे की रोटी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों तो दोस्तों ठीक ठाक हैं आप लोग, मैं बना रही हूँ कोदे की रोटी। हाँ। फूल देवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, आपके बच्चों को भी। बिल्कुल। तो सुबह सुबह कोदे की रोटी देके कोदे की रोटी खाने का मन कर रहा है, पर क्या करें, अभी पूजा पाठ करना है हमने। तो इससे भी ज्यादा खाते हैं प्योर कोदा। हाँ प्योर कोदा, पर वो बनती नहीं है। हाँ वो फट जाती है ना, फट जाती है, जैसे वो छिंती नहीं फटती है। ठीक है आप बनाओ रोटी, हम चलते हैं। बाकी हमें एक दो घर पे और जाना है, उसके बाद करेंगे पूजा। ये है हमारे आज के, क्या है तुम, डोली पकड़ने वाले। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं अपने पुराने वाले घर पे, यहाँ पे फूल डालने के लिए। देखो सारे बच्चों ने अपनी अपनी सजल्दी पकड़ी हुई है फूलों की। और यहाँ पे हमारा पुराना घर और यहाँ पे हमारी चाय वाली चाची का घर। चाय वाली चाची लगी हुई है रोटी बनाने पे। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे होंगे दोस्तों, आज बैठे होंगे बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हाँ तो आज घुग्या उसकी शुरुआत है। हाँ तो इन बच्चों को घुग्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। रोटी बना रही हूँ आपकी भी, कोदे की रोटी बन रही है। ये देखो ऐसी रोटी बन गई मेरे को, हमेशा चाहिए दोस्तों कोदा। हाँ कोदा अच्छा होता है ना, अच्छा होता है ना। हाँ तो ये देखो सब बच्चों ने अपने घर की दहलीज में फूल डाले हुए हैं सब जगह। यहाँ पे इनका फोटो शूट करते हैं अभी। यहाँ पे देखो हमारी घुग्या वाली पूरी टीम, छोटे छोटे बच्चे सब उपजा करे उनके आगे खड़ा। ये देखो सबकी सजल्दी पकड़ी हुई है हाथों में फूलों की। किसी ने फ्योली के फूल ला रखे हैं, किसी ने बुरांस के फूल ला रखे हैं और किसी किसी ने तो आरू के फूल भी ला रखे हैं ना। माई ने ला रखे हैं आरू के फूल और हमारे एरोलो भी देखो खड़े हो रखे हैं। बोलो घुग्या देवता की। तो दोस्तों अभी सभी बच्चे पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये देखो घुग्या देवता के पास में। और यहाँ पे सब ने जो जो भी फूल ला रखे थे यहाँ पे हम देवता को चढ़ा रहे हैं। ये देखो सब की सजोली भरी हुई है फूलों से। किसी ने बुरांस के फूल, किसी ने फ्योली के फूल ला रखे हैं। ये देखो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी यहाँ पे। इसने भी ला रखे हैं बुरांस के फूल, इधर दिखा दो। ये देखो बुरांस के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये चढ़ेंगे हमारे देवता को। जय हो घुग्या देवता। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूजा चल रही है और साथ साथ में मम्मी भी आ गई है यहाँ पे।
हेलो दोस्तों, तो आज बच्चे फूल डाल के आ गए, फूल दे त्योहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे गोगिया देवता की कृपा आप सभी पे बनी रहे और हमारे बच्चों को देखो, इनको देख के बहुत खुशी होती है। इतने छोटे छोटे बच्चे दोस्तों अंधेरे में उठ जाते हैं, देखो कितनी श्रद्धा भाव है इनकी। अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं ना, के दिन याद आ जाते हैं दोस्तों। हम तो जब फूल निकालते थे ना अपने मायके में, तो टोकरी हम ना टोकरी भर के गेहूं के अंदर रखता, गेहूं भी बहुत ज्यादा अच्छे होते थे बड़े बड़े। तो सुबह जब हम टोकरी निकालने जाते थे तो टोकरी का पता ही नहीं चलता था कहाँ पे रखी। अच्छा, इन बच्चों को देख के आज बहुत याद आ रही है, इतने छोटे छोटे बच्चे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गोगिया देवता की कृपा हमारे बच्चों पर भी बनी रहे, हमारी यूट्यूबर फैमिली पर भी बनी रहे। और आज दोस्तों मैं अमीषा और शीतल को बहुत मिस कर रही हूँ, सच में। दोनों का हल्ला भी यहाँ पर होता रहता था बिल्कुल। तो फिर से मुझे फिर इमोशनल हो गई मम्मी। तो हमारे गोगिया देवता की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे, इन बच्चों पे भी बनी रहे और इन एरोलों पे भी बनी रहे, जो ये नंगे पैर सुबह से डोली को नचा रहे हैं। है मां, नंगे पैर सुबह से मैंने कहा डोली को नचा रहे, इन पे भी कृपा बनी रहे। तो देखो डोली को कितना अच्छा से सजा रखा है इन बच्चों ने। तो मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े, सरकारी नौकरी पर लग जाए सबके सब, और हमारा ये रीति रिवाज हमेशा जिंदा रहे। जिंदा रहे दोस्तों, बिल्कुल रीति रिवाज बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो अभी कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो ओम भी बना रखा है हम लोगों ने, होली का फूल और ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है और दिया भी हम लोगों ने यहाँ पे जला दिया है। अब सभी लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय वाली चाची के घर पे चाय की व्यवस्था है। हैं वर्षा, चलो आप भी आ जाओ। बिल्कुल, चाय वाली चाची के घर पे चाय ना पिए तो बात ही क्या है फिर। तो अभी सब बच्चे लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सारे छोटे बच्चे आ गए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि आज की चाय है चाय वाली चाची के घर पे। तो यहाँ पे देखो सब बच्चे बैठे हुए हैं चाय और बिस्किट खाने के लिए। ले आके कैसे नहीं मिल चाय गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ा।